हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हम लोग चर्चा कर रहे थे, एक होम थिएटर है बॉक्स जिसमें गाना बजता है, तो उसके अंदर एक वॉल्यूम सिस्टम है जो ऐसे घूमता है गोल, और एक रिमोट भी रहता है। तो रिमोट में वॉल्यूम माइनस प्लस करने का कीबोर्ड रहता है, और उधर वॉल्यूम ट्यूनिंग करने का भी ऑप्शन। तो मान लीजिए उसको आप पूरी तरह से माइनस कर दिए, जीरो में लाए, जीरो, और ये वाला आप पूरा बढ़ाए 100। राममोहन प्रभु जी ध्यान दीजिए, इधर जी क्या हुआ? राममोहन प्रभु जी, मैं कुछ पूछा आपको, हाँ प्रभु जी, नहीं क्या बजेगा या नहीं? बजेगा हाँ, क्यों नहीं बजेगा? क्योंकि वो वाला कमा दिया। वो कम कर दिया। हाँ, तो जो जो होम थिएटर के अंदर, जो बॉक्स के अंदर जो वॉल्यूम सेटअप रहता है मशीन के साथ, तार के साथ जो कनेक्टेड है, उसको कहते हैं श्रवण, ठीक है। और हमारे हाथ में जो रिमोट है उसको कहते हैं स्मरण। अगर आप उसमें, अर्थात होम थिएटर के जो साउंड सिस्टम में जो वॉल्यूम है उसको अगर फुल करके रखे, धर्मपालक प्रभु जी आपके इतना देर क्यों लगा जुड़ने में? हम तो चीज बोल दिए, क्या जो उदाहरण दे रहा था, तो क्या फिर से रिपीट करना पड़ेगा? यू वॉन्ट टू लिसन धर्मपालक प्रभु? नहीं प्रभु जी, फिर से क्या रिपीट करो? आप तो सुने नहीं ना। प्रभु जी रिपीट मत करिए, व्हाट्सएप में डाल दीजिएगा, हम देख लेंगे। नहीं, चलिए आपको रिपीट कर ही देते, उसके लिए क्यों रहेंगे। उदाहरण दे रहे थे कि होम थिएटर जो रहता है हमारे घर में, जिसमें साउंड गाना बजता है, उस मशीन के अंदर एक वॉल्यूम सेटअप रहता है घूमने वाला ऐसे, और एक रिमोट भी दिया जाता है जिसमें 100 तक होता है, ठीक है, 1 2 3 4 5 100। तो मान लीजिए आपका होम थिएटर के अंदर जो वॉल्यूम ट्यूनिंग पॉइंट है उसको अगर पूरी तरह से आप घुमा दिए, एकदम माइनस करके रखे जीरो, और इसको पूरा फुल किए, पूरा फुल कर, तो क्या बजेगा होम थिएटर? नहीं बजेगा। क्यों नहीं बजेगा? क्योंकि वो वाला जो है पूरी तरह से काम है, माइनस करके रखे, तो वो वाला जो वॉल्यूम है वो है श्रवण, हियरिंग अबाउट कृष्ण कथा श्रवण, और ये जो रिमोट वाला जो है ये है स्मरण। अगर उधर से फुल साउंड रहेगा, उधर से अगर श्रवण अगर अच्छी तरह रहे, तो इधर अगर एक पॉइंट भी साउंड देके रखेंगे ना, ओनली 1%, फिर भी आपका ये बजेगा। क्यों? क्योंकि उधर पूरा दिया हुआ है। अगर इसको एक दबाएंगे, दो दबाएंगे, तीन दबाएंगे, तो जितना दबाएंगे ये आपका साउंड बढ़ता जाएगा, लेकिन उधर से ही अगर आपका माइनस है और इधर से पूरा 100% है, तो कुछ होने वाला नहीं। इसीलिए श्रवण जितना करेंगे, स्मरण उस मात्रा में हम लोग कर सकते हैं, 100% में, 50% में भी वॉल्यूम कर के रख सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, कमा सकते हैं, रिमोट अपने हाथ में। स्मरण जो है, अगर कृष्ण कथा मेरे दिमाग में रहेगा तो मैं स्मरण कर सकता हूं, अगर मेरे दिमाग में ना रहे तो क्या कुछ बोल सकता हूं? नहीं। तो इसीलिए
इसीलिए हम सबको क्या करना है, ये चीज के बारे में सचेत रहना है। अगर सच में कृष्ण को सब समय अपने हृदय में धारण करके रखना है, उसके लिए मुझे कृष्ण कथा श्रवण करना है, ज्यादा से ज्यादा कृष्ण कथा श्रवण करना है। तो विदुर जो यहाँ पे राजमहल में लौटे, तो महाराज युधिष्ठिर, भीम, आपका अर्जुन, नकुल, सहदेव, धृतराष्ट्र, सात्यकी, संजय, कृपाचार्य, कुंती, गांधारी, द्रौपदी, सुभद्रा, उत्तरा, कृपि, कौरव एवं उनके जितने सारे पत्नी एवं अपने अपने बच्चे, स्त्रियों सहित सभी अत्यंत हर्षित होकर तेजी से उनकी ओर बढ़े। ऐसा प्रतीत हुआ मानो उन्होंने दीर्घ काल के बाद अपनी चेतना फिर से प्राप्त की। जैसे कोई व्यक्ति कोमा में रहता है, कोमा में, जानते कोमा में कैसे, फिल्मी देखे है, कौन फिल्म देखते हैं, देखे हैं जो कोमा का जो मूवी में सीन आता है, वो तो कोमा में ऐसा एक्सीडेंट हुआ वो कोमा में चला गया। अभी वो अगर नहीं आएंगे तो बाहर उसको, उसके लिए गवाही कौन देंगे, अदालत में उसको कैसे पेश किया जाए, जो होता है सीन में। तो जो व्यक्ति कोमा में चला जाता है वो एकदम चेतना खो देते, अपने अचेतन अवस्था में रहते, शरीर है, जीवित है, लेकिन उनका कॉन्शियसनेस काम नहीं करता, उसको बोलते कोमा। तो ये जो जितने सारे है, मतलब पांच पांडव, ये पूरा जो महल, हस्तिनापुर के निवासी अब तक ऐसा फील कर रहे थे कि हम लोग कोमा में थे। और जैसे विदुर का आगमन हुआ तो ऐसा लगा कि अब शरीर में एक चेतना आ गई, शरीर में चेतना आ गई। तो देखिए शुद्ध भक्त का प्रभाव कैसा होता है। कल मैं फेसबुक में एक वीडियो देख रहा था, तो श्रीमद जयप्रताप का स्वामी गुरु महाराज, कल एक कलकत्ता में गौरनिताई का इंस्टॉलेशन हुआ, तो गुरु महाराज जब वहां पर आए, बाप रे जितने सारे भक्तगण ऐसे दौड़े जैसे उन सबका प्राण आ गए। तो ये होता है शुद्ध भक्त का प्रभाव। जब शुद्ध भक्त कहीं पर जाते हैं तो उनके लिए व्यक्ति अपने आप को पूरी तरह से, जैसे जीवन में कुछ है ही नहीं, एकमात्र वही है, एकमात्र गुरु महाराज ही सब कुछ है। तो ये बहुत ही सुंदर और रियल शुद्ध चेतना की बात है। ऐसे में तो जगत में तो गुरु महाराज जब इधर उधर जाते हैं तो बहुत सारे लोग तो है जो इस्कॉन के डिवोटी नहीं है, वो थोड़ी उतना वैल्यू देंगे, वो थोड़ी उतना सम्मान देंगे। क्यों? क्योंकि ये सब कुत्ता बिल्ली है, कुत्ता बिल्ली थोड़ी महात्मा को सम्मान देता है। एक महात्मा को वही सम्मान देगा जो मनुष्य हो, महात्मा को वही सम्मान देगा जो मनुष्य हो। और दुनिया के लोग को क्या है, कुत्ता बिल्ली है, धर्म के बारे में कुछ जानता नहीं, कुछ भी खा लेते हैं सुअर की तरह, विदाउट नोइंग एनीथिंग, क्या है इसके अंदर, क्या रखा हुआ है ट्रेन में वगैरह इधर उधर। तो वो कुत्ता बिल्ली सुअर की तरह है, इसीलिए ऐसे व्यक्ति किसी महात्मा का सम्मान कैसे कर सकते हैं। एक व्यक्ति जो किसी को सम्मान देता है, कैसे सम्मान देगा, उनके अंदर अगर उस तरह का क्वालिटी हो। हमारे धर्मपालक प्रभु जी सब समय बोलते हरे कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम। मैं अगर उनको कुछ पूछूं, अच्छा प्रभु जी आप कल क्लास में क्यों नहीं आए, तो वो उसको बोलना चाहिए, नहीं प्रभु जी एक्चुअली क्या ना, कल मेरा बहुत माथा दर्द कर रहा है। वो तो बोलेगा, तो पहले क्या बोलेंगे, हरे कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम, मेरा कल माथा दर्द कर रहा है। तो पहले सम्मान देंगे उसके बाद बात बोलेंगे। तो जिसके पास वो क्वालिटी है, जिसके पास वो वैल्यूएशन है, वही व्यक्ति दूसरों को सम्मान दे पाता। उसी प्रकार जैसे जयप्रताप स्वामी गुरु महाराज कलकत्ता आए, तो मैं देखा ओह माय गॉड, बच्चे लोग ऐसे जैसे भगवान रामचंद्र आ गए अयोध्या में। तो जो जैसे श्रील प्रभुपाद भी जब सैन फ्रांसिस्को जाते थे, लॉस एंजेलिस, लंदन, तो भक्तगण ऐसे आकर्षित। तो ये सब, ये महान व्यक्ति, प्रभावशाली व्यक्ति कैसे होता है। तो मेरे गुरु महाराज बोलते थे, श्रीमद भक्तिचार्य स्वामी गुरु महाराज, एक महान व्यक्ति की पहचान कैसे होती है,
और कौन व्यक्ति महान बनता है, हु इज बिकम ए ग्रेट पर्सन, जिन्होंने अपने जीवन में संयम किया है। जो व्यक्ति अपने जीवन में संयम किया है, कंट्रोल किया है, एक महान सेक्रीफाइस किया है, वही व्यक्ति जीवन में महान बनता है। वर्तमान में जो सबसे बड़ा इस संसार का सुख क्या है, सेक्सुअल इंटरकोर्स, काम सुख। तो ये जो हमारे जितने सारे महान महान हमारे आचार्य है, गुरुदेव है, गुरु परंपरा है, इन सब ने ये जो काम सुख है इसको पूरी तरह से त्यागे है। सदा तुच्छवत, हमारे आचार्यगण इसको त्यागे है, तभी बने हैं महान। क्योंकि जब तक आप सेक्रीफाइस नहीं करेंगे तो कोई आपको वैल्यू नहीं देगा। अरे बोलेंगे ये पूरा एकदम सांसारिक लटका हुआ है, इनके साथ क्या दोस्ती करेंगे। नहीं, एक्चुअली देखिए, सांसारिक रूप से लटका हुआ व्यक्ति की पहचान दो तरह से होती है। बोलेंगे प्रभु जी आप तो गृहस्थ है, आपकी पत्नी भी है, हम तो ब्रह्मचारी का क्लास सुनते हैं। तो ही उदाहरण दिया, जैसे जगन्नाथपुरी में जाके आप स्नान कर रहे हैं, पूरा धाम है, और कोई व्यक्ति घर में बैठ के हरि कथा सुन रहे, कौन है ग्रेट, हु इज द ग्रेट, कौन है वास्तविक तीर्थ यात्री जो हरि कथा सुन रहे। तो उसी प्रकार ब्रह्मचारी है, यस दिस इज गुड फाइन, लेकिन आपको क्या पता है उनके मन में क्या चल रहा है? नहीं पता है। कोई कोई बाध्यवश लाल कपड़ा लिए हुए है, लेकिन इच्छा नहीं है लाल कपड़ा लेने का, लेकिन लाल कपड़ा नहीं लेंगे तो मंदिर में रहने नहीं देंगे, और हृदय में बहुत सारा काम वासना है, क्योंकि शुद्ध भक्ति होता नहीं, भजन साधन अच्छी तरह करते नहीं, जिसके कारण काम वासना मन में आते हैं, और काम वासना मन में आते इसलिए भक्ति भी होता नहीं, कृष्ण चिंतन हो नहीं पाता, क्योंकि मन में बहुत कुछ भौतिक इच्छाएं हैं। तो मन में भौतिक इच्छाएं जब तक पूरा नहीं होगा तब तक तो आध्यात्मिक इच्छा पूरा करने को मन नहीं करता। हमारे जितने सारे महान महान आचार्य है, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, ये सब भौतिक भोग भरा हुआ था, लेकिन वो लोग सब छोड़ दिए, तब तो भगवान की भक्ति में पूर्ण रूप से लगे। हमारी इस्कॉन दुनिया में जितने सारे बड़े बड़े IIT MIT MTech किया हुआ जो ब्रह्मचारी आए, वो लोग भक्ति में स्थिर क्यों है, वो लोग फेल डाउन क्यों नहीं होता? क्योंकि वो लोग भौतिक भोग जितना कुछ भोगना था वो सबको त्यागे है। और हम सब जो भिखारी है, कुछ कुछ जो हमारे पास कुछ धन दौलत तो ऐसा है नहीं, इसीलिए हम लोग कृष्ण तक पहुंचने से पहले इस चीज के पीछे ज्यादा भागते हैं। और वो लोग जो है ऑलरेडी वो सबको त्याग करके पूरी तरह से कृष्ण में लीन हो चुके। तो बोलने का भाव यही है कि अगर कृष्ण को प्राप्त करना है तो उसके लिए महान सेक्रीफाइस त्याग करना पड़ेगा, और इस संसार में जो सबसे बड़ा सुख है वो है काम सुख, इसको त्यागना होता है। तो जो उदाहरण दिया ब्रह्मचारी का, कि हर कोई नहीं, लेकिन कुछ कुछ ब्रह्मचारी है, क्या करे बेचारा, नौकरी नहीं मिला तो ब्रह्मचारी आश्रम में ज्वाइंट हो, उनकी इच्छा है शादी विवाह करने का, लेकिन पैसा नहीं है, एक परिवार को मेंटेन करने के लिए घर चाहिए, खाने पीने के लिए रोटी कपड़ा मकान ये तो चाहिए, तो कहां से पाएगा? इतना दिन ब्रह्मचारी आश्रम में थे, उम्मीद था कि अथॉरिटी उनके लिए कुछ एक पद देंगे, लेकिन नहीं, जैसे का तैसा वहीं पर पड़े रहे, अभी ना पीछे जा रहे हैं ना आगे जा पा रहे, समुद्र के बीच में है। आगे अगर पार होना चाहे उसमें भी उतना देर है, और पीछे अगर लौट कर आना चाहे फिर भी थक जाएंगे, फिर भी किनारे नहीं आ सकता, स्थिति ऐसा है। समुद्र के बीच में अगर कोई व्यक्ति गया, मान लीजिए कोई इस उम्मीद से तैरना चालू किया, स्विमिंग करना चालू कर दिया कि मैं उस पार पार हो जाऊंगा, अभी बीच समंदर तक गए और अभी आगे देख रहे आप ऐसे माथा उठा के, कितना दूर है देख रहे कि बहुत दूर है, तो मन कर रहा कि चलो पीछे जाते हैं, ये ब्रह्मचारी आश्रम नहीं रहेंगे, पीछे जाते हैं, किनारे में जाते हैं। तो किनारे की तरफ देखते हैं, अरे बाबा बहुत दूर आ चुका हूं, तो अभी मेरे पास तो एक्टिवनेस नहीं है कि पैसे कमा
पैसा कैसे कमाएं, एक गृहस्थ को चलाने के लिए, घर संसार को चलाने के लिए। पीछे मुड़कर देख रहे तो इधर भी बहुत दूर किनारा दिख नहीं रहा है, तट समुद्र जो तट वो दिख नहीं रहा है, और आगे इसे मतलब माथा उठा के देख रहे वो भी आगे कितना दूर है और कितना दूर जाना है, मतलब भगवत धाम कितना दूर है, भगवत धाम का रास्ता वो भी नहीं दिख रहा है। तो कुछ कुछ ब्रह्मचारी, कुछ कुछ भक्तगण ऐसे फंसा हुआ। तो ये जो कंडीशन है जो सबके जीवन में एक बार आता है, इस कंडीशन से व्यक्ति कब मुक्त हो सकता है, जब उसको वो वाला आध्यात्मिक जगत कि मुझे वो दिख रहा है, हाँ वहां पर है, मुझे जाना है। इसके लिए हमारे मुकुंद दास जो महाप्रभु के लीला में जो हम लोग जानते हैं कि महाप्रभु ने उसको त्यागा था, क्यों? क्योंकि मुकुंद हर जगह कथा सुनते थे, हरि कथा। जो मायावादी लोग मायावादी निर्विशेषवादी की कथा सुना रहे वहां भी जाके वो प्रवचन सुनते थे, महाप्रभु हरि कथा सुनाते तो उस समय भी सुनते थे, स्वरूप दामोदर गोस्वामी हरि कथा सुनाते उस समय भी सुनते थे, गदाधर पंडित श्रीमद भागवत की कथा करते तो उस समय भी सुनते थे, जो बौद्धों की कथा कर रहे बौद्ध नास्तिक फिलोसॉफी वहां भी जाके सुनते थे। तो महाप्रभु को जब रिपोर्ट मिला तो बोले कि मुकुंद को मेरे सामने मत ला, क्योंकि ये बहुत खड़ झाटियां है, सबकी बात सुनता है, उसका कोई फिक्स नहीं है माइंड। तो भक्तगण बोले कि देखिए आप ही का तो भक्त है, अगर आप इसको त्यागें तो ये जाएंगे कहाँ, ठीक है। तो महाप्रभु बोले कि देखिए अगर आप लोग उतना फोर्स कर रहे हो मुझे तो आप उनके साथ रहो, मैं आप लोग को छोड़ के जा रहा हूं। तो जिसके कारण महाप्रभु तो बहुत दिन हो गया, 4-5 दिन 6-7 दिन हो गया, तो मुकुंद ने स्वरूप दामोदर गोस्वामी को या महाप्रभु के कुछ पार्षदों के द्वारा महाप्रभु को जाके बोला कि आप जाके महाप्रभु को ये चीज बोलिए कि महाप्रभु मुझे कब दर्शन देंगे। तो महाप्रभु को जब इन्फॉर्मेशन मिला बोले कि महाप्रभु मुकुंद ने पूछा कि आप उनको कितना जन्म तक दर्शन नहीं देंगे, क्योंकि आप तो बोल दिए डायरेक्ट कि मैं उसका मुख नहीं देखना चाहता, तो क्या कभी नहीं देखना चाहेंगे या कभी देखेंगे, ये उनका प्रश्न है, मुकुंद का प्रश्न है। तो महाप्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु ने उत्तर दिया कि ठीक है दर्शन करेंगे 1,00,000 जन्म के बाद। तो ये जाके रिपोर्ट दे दिया मुकुंद को, तो मुकुंद को जैसे रिपोर्ट मिला तो मुकुंद पूरा नाचने लगा, महाप्रभु मुझे दर्शन देंगे, महाप्रभु मुझे दर्शन देंगे। तो भक्तगण उसको बोले कि नाच रहे क्यों, आप कितना आनंदित कैसे हो, क्यों नाच रहे हो? बोले क्यों ना नाचू, क्योंकि महाप्रभु मुझे दर्शन देंगे। तो बोले कि दर्शन देंगे तो क्या कल देंगे क्या, इस रविवार संडे फीस्ट में आपको क्या लगता है, 1,00,000 जन्म के बाद। बोले कि अरे तो क्या हुआ, महाप्रभु जब दर्शन देंगे मीन्स दर्शन देंगे, चाहे मुझे कुत्ता बिल्ली होकर जन्म लेना पड़े, पेड़ पौधा बन के जन्म लेना पड़े, उसके बाद 84 लाख भ्रमण करना पड़े, फिर 1,00,000 जन्म के बाद, महाप्रभु बोले हैं मुझे दर्शन देंगे मीन्स दर्शन देंगे। तो ये चीज, ये कॉन्वर्सेशन, ये जो घटनाएं जाके भक्तगण महाप्रभु को बोला, तो महाप्रभु जब सुने तो महाप्रभु का हृदय बहुत ही आनंदित हो गया, वाह सच में मुकुंद सो गुड डिवोटी। तो भक्तों को बोला जाओ उनको लेके आओ मेरे पास। तो ये होता है भगवान की कृपा। हम ये जो मैं समुद्र का जो उदाहरण दिया कि हम लोग समुद्र के बीच में है, ब्रह्मचारी आश्रम की बात होता है, समुद्र के बीच में आए हैं, न इधर जा पा रहे न उधर जा पा रहे, तो उस समय उनको यही चीज सोचना है कि चलिए भगवत धाम तो मैं जाऊंगा ही, भगवान कृष्ण के साथ तो मैं मिलूंगा ही, हाँ उसको ये पूरा कॉन्फिडेंस रहना है। तो जब वो ऐसे कॉन्फिडेंस रहेगा तो भगवान को पाने के लिए जिसको 10 जन्म लगने वाला था ना, भगवान इसी जीवन में उसको बुला लेंगे। जो हम लोग देख रहे हैं समुद्र, ओ बाप रे कितना दूर है, फिर समुद्र को पार करेंगे, अपार संसार समुद्र सेतु, जो हम लोग ये सोच रहे हैं ना, तो जब भगवान आपके भाव को देखेंगे तो कृष्ण बोलेंगे चलो आपका हो गया कम, आ जाओ बहुत हो गया स्विमिंग करना, भगवान उठा के ले आएंगे। तो ये कौन से भक्तों को ऐसा करते हैं, जिसके हृदय में कॉन्फिडेंस है, जिनके हृदय में आत्मविश्वास है,
कृष्ण के प्रति, कृष्ण विश्वास, आत्मविश्वास से भी बड़ा कृष्ण विश्वास। तो हर भक्त को, प्रत्येक भक्त को कृष्ण विश्वास होना चाहिए, तभी हम लोग जीवन में प्रगति करेंगे। तो ये सब मिलता कहां से? साधु संघ से। साधु संघ जितना करेंगे, हरि कथा जितना सुनेंगे, उतना हमारे भक्ति जीवन में कॉन्फिडेंस आएगा। जितना हम लोग हरि कथा नहीं सुनेंगे, हम लोग भक्ति से दूर होते जाएंगे। ऐसा दिन आएगा कि यार क्या भक्ति मक्ति छोड़ो, पैसा कमाओ, ऐसा फीलिंग आएगा और भक्ति छोड़कर सब चलेगा। तो इसीलिए ये चीज हम लोग को बहुत ही ध्यान से सोचना है, समझना है और भागवतम कथा को नित्य श्रवण करना है। ठीक है, फिलोसॉफी इज इम्पोर्टेंट। फिलोसॉफी सुनने से मोटिवेशन मिलता है कि हाँ भाई, बुक्स तो है मेरे पास, भागवतम तो है मेरे पास, चलिए पढ़ते हैं। जगन्नाथ प्रभु बोले मुझे पढ़ना है, लेकिन अगर मैं सिर्फ वही बुक को ही बोल, हाँ राधा रानी, फिर इस तरह कृष्ण से जाके मिले, फिर उद्धव जाके कृष्ण को गले मिलाए, अगर यही लीला ही बोलता रहूं, तब तो जब तक बोलूंगा तब तक ठीक है, और उसके बाद बोले चलिए आज का हो गया, प्रभु जी क्लास दिया, राधा कृष्ण की लीला श्रवण किया, बस फिनिश। लेकिन मैं इस तरह का फिलोसॉफिकल क्लास देने से क्या होगा? आप लोग खुद प्रयास करेंगे, नहीं मुझे पढ़ना है। प्रभु जी बोले कि श्रवण जितना करेंगे, इधर का वॉल्यूम जितना बढ़ाएंगे, उतना रिमोट के बढ़ाने से होगा, स्मरण उतना होगा। तो चलिए मैं अभी बुक पढ़ूंगा, भगवत गीता पढ़ूंगा, 5 श्लोक में पढ़ूंगा तात्पर्य जी के साथ। ठीक है, ये भागवतम का पढ़ूंगा, भागवतम का कम से कम 3 श्लोक को पढ़ूंगा, ये चैतन्य चरितामृत का 2-3 श्लोक पढ़ूंगा, फिर हरिनाम करूंगा, नृसिंह कवच का पाठ करूंगा, मुझे भक्ति में लगे रहना, ऐसा फीलिंग आएगा। ये सब कथा सुनने से ठीक है। भक्तगण, मैं चाहता हूं कि बहुत दिन से आप लोगों से मुलाकात नहीं हुआ, तो थोड़ा सा प्रश्न उत्तर भी हो जाए। जी धर्मपाल जी। हरे कृष्णा, कुमार अश्वनी कुमार कौन थे? अनुवाद में अश्वनी कुमार का भी मतलब वो हुआ है, तो ये अश्वनी कुमार कौन थे प्रभु जी? जब उन्होंने देखा कि विदुर राजमहल लौट आए हैं, तो महाराज युधिष्ठिर उनके छोटे भाई धृतराष्ट्र, सात्यकी, संजय, कृपाचार्य, कुंती, गांधारी, द्रौपदी, सुभद्रा, उत्तरा, कीर्ति, कौरव की अन्य पत्नी, अपने अपने बचे संसार में सभी अत्यंत हर्षित होकर तेजी से उनकी ओर आगे बढ़े, ऐसा प्रतिदिन कहा अश्विनी कुमार का उल्लेख नहीं है। अश्विनी कुमार कहाँ दिख रहा है? अश्विनी कुमार वो जो माधुरी थी ना, माधुरी के गर्भ से जो नकुल सहदेव हुए, तो पांडु अश्विनी कुमार को बोले। ठीक ठीक, और नकुल सहदेव को अश्विनी कुमार, तो यहाँ पे कहाँ है उल्लेख तो नहीं दिख रहा है? नहीं, इसमें है चर्चा आगे है। ओ अच्छा, तात्पर्य जी, तात्पर्य जी। अच्छा, तो अश्विनी कुमार जैसे इंद्र का एक रूप आया था अर्जुन के रूप में, धर्मराज का रूप आया था युधिष्ठिर महाराज के रूप में, वायुदेव का एक रूप आया था भीम के रूप में, उसी प्रकार अश्विनी कुमार ये रूप नकुल और सहदेव। विदुर जो है प्रभु जी, विदुर श्रापित थे ना, जो कि शूद्र कुल में आ गए। वो जो मुनि का नाम क्या था? मांडुक। ठीक है, और किसी का कुछ प्रश्न है?
लक्ष्मी प्रभु जी पराशक्ति जो है थोड़ा सा भूल गए हम लोग क्या परा अपराशक्ति है ना उसको भूल गए थोड़ा सा रिमाइंड कर दीजिए अपूर्ण मतलब मिट्टी का घर जो बाढ़ आएंगे तो बह जाएगा और पराशक्ति मतलब सीमेंट का पक्का घर जो बाढ़ आने से भी नहीं बहेगा परा का अर्थ होता है आध्यात्मिक अपरा का अर्थ होता है भौतिक मेटेरियल ठीक है। विभा माता जी का कुछ क्वेश्चन है या अभी ऑफिस में है माता जी व्यस्त है ठीक है तो चलिए मंशा कल को शुरू करेंगे हम लोग तथा विराम देंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे। जय गंगरा श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय अनंत कोटि वैष्णव भक्त बिंद की जय। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। सर्व गोस्वामी प्रभुगण की जय। नामाचार्य शिल हरिदास ठाकुर की जय। निताय गौर प्रमानंदे हरि हरि बोल।